ये देखो इस साइड से उधर साइड जा रहे हैं। अब भैया ठीक है डुबकी लगाएंगे। फरका वाद आओ, मेला में आओ, आलू ना खाओ। से स्वागत करता हूँ मैं सनी आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मौसम काफी अच्छा है, देखिए पीछे धूप धूप काफी अच्छे से निकली है। और आज हम जा रहे हैं अपने पड़ोसी जनपद फरकाबाद में, जो कि वहाँ पर मेला रामनगरिया एक महीने से लगा हुआ है। और हमारे साथ पिछले एक वीडियो में आपने देखे होंगे इनको, छिबरा मुँह के पटाखा बाजार, उसमें ये थे। अपना नाम बताइए। अब से एक बात भी देखिए, ये पूरे हेलमेट से ढके हुए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, अपने घर से निकल चुके हैं, रास्ते पे हैं। चलिए फिर जल्दी से चलते हैं। गढ़ रामनगरिया पे पहुंच चुके हैं और बाइक जो थी वो इसी साइड खड़ी कर दी, मतलब उस साइड नहीं खड़ी की। वैसे स्टैंड तो उधर भी है, अगर बाइक से आ रहे हैं तो बाइक किसी से पूछ लेना इधर पार्किंग किधर है। मैंने खैर पूछ लिया था बाहर, तो यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पर पार्किंग बाइक खड़ी कर दी। अब इस साइड से अगर नहाना चाहे तो इस साइड भी नहा सकते हैं और नहाना चाहे तो उस साइड भी नहा सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे उस साइड नहाने के लिए, ठीक है। वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक कर देना, और जो पुराने हैं वो चैनल पर कमेंट जरूर करना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम लोग नाव से उस साइड जाएंगे और दिखाएंगे आपको मेले से जुड़ी हुई हर एक चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। वीडियो को देखते रहिए। ये देखो इस साइड से उधर साइड जा रहे हैं। अब भैया, भैया नाम क्या है तुम्हारा? बाबू। बाबू भैया हमको गंगा मैया पार कराए हैं उस साइड। जय हो गंगा मैया। ये देखिए गंगा मैया कितना अविरल पानी है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए उस साइड देखिए वो पुल दिख रहा है। और ये देखो हमारे साथी इधर बैठे हैं, इधर देखो अभिषेक, ये बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है। और हम लोग उधर साइड स्नान करेंगे, बाकी लोग भी पीछे बैठे हैं। एक बार तेज से नारा लगाइए, जय गंगा मैया, गंगा मैया की जय हो गंगा मैया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया धूप। ये माघी का मेला होता है, एक महीना में पूरा एक महीना लगता है यहाँ पे। उस साइड सब लोग अपनी झोपड़ी डाल के कल्पवासी करते हैं एक महीना के लिए। और हम भी आज अपने छिबरा मुँह से यहाँ पर स्नान करने आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जय गंगा मैया। अभी हम लोग गंगा जी के अंदर पहुंच गए हैं और गंगा जी नहाएंगे, ठीक है, डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाएंगे तो मोबाइल चला जाएगा बिल्कुल अंदर। फोटो खींचना। ये देखिए कितना ठंडा पानी है, एकदम चिल। थोड़ा पूजा अर्चना कर चुके हैं, अब थोड़ा बहुत माथे पर चंदन लगवा लेते हैं। और चंदन लगवाने के लिए पंडित जी थोड़ा चंदन लगा दीजिए हमारे। ये पंडित जी हैं, पंडित जी क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। वैसे यहाँ जो घाट है इसकी पहचान क्या है? कोई आए यहाँ पे इनके घाट पे अगर आना चाहते हैं, इनके घाट पे बाल्टी टंगी हुई है, पंडित जी चंदन लगाएंगे हमारे माथे पे। यहाँ पे ये देखिए गंगा के किनारे भंडारा हो रहा है, हम लोग थोड़ा प्रसाद चढ़ रहे हैं। किस नाम से भैया ये है? जी किस नाम से है? भंडारा नहीं मतलब आश्रम। आश्रम हाँ, अखंड जगदीश्वर। अखंड जगदीश्वर नाम से है ये? क्या डेली चलता है कि मतलब? यहाँ चलता है रोज। अच्छा ये डेली चलता है। श्री श्री 1008 जगदीश्वर संत महाराज, ये गंगा के किनारे है, आप यहाँ आकर प्रसाद छक सकते हैं। अब इधर से चल रहे हैं मेला की तरफ, जहाँ पर झूले और कुछ खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए भीड़ कितनी तेज है, काफ़ी अच्छी भीड़ है। बहुत भीड़ है, देखो पीछे कैमरे दिखाते हैं आपको। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes.
अयोध्या का मेन गेट। देखिए भीड़ कितनी तेज है, पीछे आप देख रहे होंगे सबके सरी सर दिखाई पड़ रहे हैं। ये जाता है मेले की तरफ गेट, जैसे झूले वगैरह काफी लगे हुए हैं। खरीदारी के लिए यहाँ पे आपको जो भी सामान होता है घर गृहस्थी का सब कुछ मिल सकता है। खाने पीने के जो भी स्टॉल लगे हैं इस साइड ही लगे हुए हैं। आलू ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता है। अब यहाँ थोड़ा भूख भी लग रही है और आलू खाएंगे भुने हुए। देखिए कैसे झाड़े जा रहे हैं आलू, ये देखिए, ये देखिए आलू झाड़े जा रहे हैं। भैया देखिए इधर भून रहे हैं, भैया अब भून रहे हैं। कब से लगा रही है काम, कब से काम कर रही है? बहुत दिन से काम कर रहे हैं। आलू आ गए हैं और आलू की चटनी, ये आप लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए। पूरा घुमाए हैं और मेले में काफ़ी अच्छा लगा। मेला रामनगरिया में बहुत अच्छा लगा। पहले गंगा स्नान किया, उसके बाद थोड़ा भंडारा में प्रसाद छका, उसके बाद मेला घूमे, उसके बाद आलू खाए और अभी है बघार के नाले पे। यहाँ पर कल्लू की पकौड़ी मिलती हैं, काफ़ी अच्छी मिलती हैं। और अब हम लोग यहाँ से खाकर सीधे निकल रहे हैं। इनसे पूछते हैं, अपने मित्र से, हमारे सहपाठी से, कैसा लगा मेला? बहुत ही आकर्षक, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी तो कहना चाहेंगे फरुखाबाद आइए, रामनगरी का मेला जरूर घूमिए और बिहार की मिर्चें ये जरूर खाइए। चलिए फिर ठीक है, वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे।